यहाँ से जब से दृष्टि गई है और नोएडा में गए, तो आपको ये डिसीज़न मतलब कैसा लग रहा है? मेरे को ये डिसीज़न बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे कि यहाँ बहुत कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे नोएडा तो बहुत ही डेवलप्ड हो रहा है। नोएडा तो मतलब पहले काफ़ी भीड़ रहती थी, अब यहाँ पे अब सारे तो शिफ्ट हो गए नोएडा में ही, तो यहाँ पे इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि वो यहाँ पे जो कंजस्टेड एरिया था और वहाँ पे कंजस्टेड एरिया के पैसे ज़्यादा लेते थे। घटनाएं, बगल से नाला निकल रहा था और इसी के वजह से एक इशू हो चुका था। यहाँ पर सेफ्टी है, यहाँ हर एक चीज़ देख करके लिया गया, यहाँ पर NOC सब कुछ पूरा बाकायदा, जो आधिकारिक तौर पर जो काम होता है प्रशासनिक तौर पर सारा सब कुछ होने के बाद ही मिल रहा है। आपका नाम? हरिओम उपाध्याय जी। तो भैया हमने देखा, आपने भी शायद देखा होगा, हम लोग नेहरू विहार से आए हैं अभी सेक्टर 15 में। यहाँ के दृष्टि में और वहाँ के दृष्टि में आपको क्या डिफरेंसेस लगा है? अब वहाँ पर बिल्डिंगें पुरानी थी, अब तो रेनोवेट हो रहा है, लेकिन उसके पहले तो सही नहीं लग रहा था। बिल्डिंगें जर्जर तो बिल्डिंगें हैं, और अगर देखा जाए घटनाएं, बगल से नाला निकल रहा था और इसी के वजह से एक इशू हो चुका था। यहाँ पर सेफ्टी है, यहाँ हर एक चीज़ देख करके लिया गया, यहाँ पर NOC सब कुछ पूरा बाकायदा, जो आधिकारिक तौर पर जो काम होता है प्रशासनिक तौर पर सारा सब कुछ होने के बाद ही मिल रहा है। और भैया जैसे कि वहाँ पे बहुत मतलब कि एरिया बहुत छोटा सा था और बिल्डिंग्स भी काफ़ी ख़राब थी, बहुत कंजेस्टेड, हाँ, तो यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें का क्या है? अब वहाँ पर देखिए बिल्डिंग एकदम कंजेस्टेड था, वहाँ साफ सुथरा एरिया भी नहीं था। तो अब यहाँ पर तो अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, तो अब यहाँ देखेंगे ढूंढेंगे मिल जाएगा क्या है कैसा है, पर यह है कि यहाँ थोड़ा ग्रीनरी ज़्यादा दिख रहा है और उधर एकदम सही नहीं था, वही है कंक्रीट पत्थर सब वही। शुक्रिया भैया, थैंक यू। हेलो मैम, आपका नाम? जसमीत कौर जी। तो मैं यहाँ पे कुछ बच्चों से पहले भी मिल चुकी हूँ और मुझे ये जानना था आपसे कि यहाँ पे दृष्टि जब से शिफ्ट हो गई है नोएडा में, तब से यहाँ का क्या माहौल रहा है? क्योंकि बाकियों ने बताया काफ़ी ज़्यादा खुला हो गया है, कोई दिखता नहीं है अब रोड पे। हाँ, मतलब पहले काफ़ी भीड़ रहती थी, अब यहाँ पे अब सारे तो शिफ्ट हो गए नोएडा में ही, तो यहाँ पे इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि वो यहाँ पे जो कंजेस्टेड एरिया था और वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया के पैसे ज़्यादा लेते थे, मतलब जिस हिसाब से उनकी कंडीशन है रूम्स की और उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे। और मैम बाकी लोगों ने बताया यहाँ की बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी। हाँ, और यहाँ पे ब्रोकर लोग भी बहुत इशू देते थे, तो हाँ ज़्यादा देते थे, मतलब जैसे कि बिल्डिंग ख़राब थी। हाँ, मतलब वो रिपेयर नहीं कराते थे उस हिसाब से, पानी का भी उन्हें खुद ही अपना खुद से कराना रिपेयर कराना पड़ता था, वो नहीं रिपेयर करा कर देते थे। ओके, और जैसा कि हमें पता चला है नोएडा में जब से शिफ्ट हुई है तब से वहाँ का माहौल काफ़ी खुला खुला है, यहाँ पे रूम काफ़ी कॉम्पैक्ट मिलता है, ऐसा है? हाँ, वहाँ पे उनको अच्छी कंडीशन में रूम मिलेगा, यहाँ पे उनको अच्छी कंडीशन में नहीं मिलेगा, और उस हिसाब से उनके पास रेट रीज़नेबल होंगे वहाँ पे, यहाँ पे नहीं रीज़नेबल नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। हेलो भैया, आपका नाम? मेरा नाम ज़ैद है जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दृष्टि पहले यहाँ पे थी और अब जाके नोएडा में शिफ्ट हो गई है, तो पहले से और अभी में यहाँ पे क्या डिफरेंसेस आए हैं ये बता सकते हैं? जी, यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस आया है वहाँ पे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जब से ये वो ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ था कि 3 बच्चे मारे गए थे उसमें, तो उसकी वजह से अब डिसाइड करा इन्होंने कि दृष्टि को नोएडा भेजेंगे। तो मेरे को लग रहा है कि बहुत चेंजेस आने वाले, जो यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती थी बहुत हल्ला गुल्ला रहता था, बहुत यहाँ इस जगह पे बहुत इस टाइम पे बहुत हल्ला गुल्ला रहता था, तो वो अब ख़त्म हो गया है पूरा दृष्टि के जाने से। अब अगले महीने के बोर्ड शिफ्ट कर रहेंगे दिवाली के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली 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 लग रहा है, अब से लग रहा है, बहुत असर तो बहुत पड़ा है, खाली खाली लग रहा है अभी। और मैंने ना जिन बाकी पिछले बच्चों से भी बात की है तो उन्होंने बताया यहाँ पे ब्रोकर का इशू काफ़ी ज़्यादा आता है, बहुत कॉम्पैक्ट रूम मिलते हैं तो। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, मतलब ये मैंने भी फेस करी है खुद पर्सनली कि ब्रोकर का इशू आता है वहाँ पे। पहले तो यहाँ पे स्पेशियस रूम्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रूम्स है यहाँ पे, आपने शायद देखे, आपने जी, कहीं जी, मैंने देखे। बहुत ही वेंटिलेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वेंटिलेशन, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, स्पेशियस रूम्स नहीं है, गंदे वॉशरूम्स है। तो और ब्रोकर्स जब हम यहाँ पे देखते हैं रूम देखते हैं तो ब्रोकर क्या ऐसा लगता है कि ब्रोकर तो बहुत प्यार से बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये कर लगवा देंगे, नया वॉश बेसिन लगवा देंगे, वो लगवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और बोलते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है आपको, जितना रेंट होता है उसका हाफ 50% सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है। तो
जैसे कि मैंने 10,000 का रूम लिया तो 5,000 मेरे को पहले ही सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, और वो बोलते हैं जब आप खाली करोगे रूम तो आपको वो वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वापस नहीं मिलता आप लोगों को, वो सब ये खा जाते हैं। तो ब्रोकर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और यहाँ से जब से दृष्टि गई है और नोएडा में गए, तो आपको ये डिसीज़न मतलब कैसा लग रहा है? मेरे को डिसीजन बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे कि यहाँ बहुत कंजस्टेड एरिया है यहाँ पे, नोएडा तो बहुत ही डेवलप्ड हो रहा है, नोएडा तो बहुत बढ़िया शहर है। मुझे लग रहा है कि सबको वहीं पे जाना चाहिए, सारे एस्पिरेंट्स को वहीं पे जाना चाहिए, सारे कोचिंग्स को वहीं शिफ्ट करना चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट ने ये फैसला किया तो बहुत सही फैसला किया है कि यहाँ के मुकाबले तो वहाँ बहुत ही बेटर है। जी ठीक है, थैंक यू भैया। नर्वस क्या होना है ये तो पता ही है, हमारे राजस्थान के लौंडे भी आ रहे हैं, वो भी दे सकते हैं। अच्छा, करूं? नमस्ते भैया, आपका नाम? अशोक कुमार। अच्छा जी, मेरा ये पूछना था कि जब से दृष्टि कोचिंग यहाँ से नेहरू से वहाँ नोएडा में शिफ्ट हुई है, तब से यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा है? देखो, जो भी यहाँ से हुआ वो अच्छा हुआ, यहाँ से दृष्टि जाने का बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, जैसे कि मतलब क्लासरूम भी ठीक नहीं है और दिक्कतें थी बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे रूम्स हैं यहाँ पर, लड़के बहुत परेशान हैं। और यहाँ से जाने के बाद सर ने जो डिसीज़न जो लिया है बहुत अच्छा लिया है, और सबसे पहले लिया है, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उनका ही स्टूडेंट हूँ। नोएडा में स्पेस भी है, अच्छा खासा स्पेस रहेगा, यहाँ पे जो छोटे छोटे कमरों में लड़के लड़कियाँ जो ज़िंदगी काट रहे थे उससे इन्हें थोड़ी सहूलियत मिलेगी, और बहुत अच्छा रहा यहाँ से दृष्टि जाने का, हमें बहुत खुशी है बहुत। और भैया यहाँ पे जैसे कि भीड़ अब नहीं दिखती है, तो ये दृष्टि के जाने की वजह से हुआ है या ऐसा ही माहौल? बहुत सारा चीज़ चेंजेस हुआ है यहाँ पर, रूम का भी बहुत सारा इशू रहा है, यहाँ बहुत सारे रूम खाली भी हुए हैं, और दूसरी बात है कि यहाँ पर बहुत सस्ते भी रूम हो गए हैं दृष्टि जाने के बाद। यहाँ से प्रभाव तो पड़ा ही है, बहुत ज़्यादा तो पड़ता ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है कि भाई वहाँ लाखों स्टूडेंट पढ़ता है, और दृष्टि का नाम है, पहले से ही नाम है, हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा टॉप है, कोचिंग सेंटर है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ता है। और यहाँ से भीड़ का देखो, शाम भी देखो तो बहुत कम गैदरिंग रहती है, तो बहुत प्रभाव पड़ा है जो अनुभव। और यहाँ पे जैसे हमने स्टूडेंट से बात की थी तो उनसे हमें पता चला यहाँ पे ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा इशू देते थे, तो ये सच है? ये रियलिटी है बिल्कुल, यहाँ पे जो जितनी लूट स्टूडेंटों के साथ मचा रखी थी वो बहुत ज़्यादा थी। इतनी लूट मैंने अभी, हम भी दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली NCR का, यमुना पार का, इतनी लूट यहाँ पे नहीं है, छोटे छोटे कमरों के यहाँ पे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का रेंट था। तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सहूलियत होगी, बस सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वहाँ पर नोएडा में अगर उन्होंने लिया है तो थोड़ा स्टूडेंट के हित में है कि अपना आगे थोड़ा कार्रवाई करें। तो ये है कि यहाँ से तो गया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं है जो नोएडा में, नोएडा का इन्वायरमेंट भी है और नोएडा नोएडा है, तो बहुत अच्छा है यहाँ से चला गया तो। जी थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। क्या बात आपको?